इस कदर कमीने हैं वो कि जो जाते रसूल अलैहिस्सलाम के मामले में भी इस तरह फ्रॉड करे। पूरी दुनिया के अंदर जब मुसलमानों के जज्बात भड़क रहे थे कि बदला लो बदला लो बदला लो, एक कुटिया वाला भी कह रहा था कुटिया जल जाए जान निकल जाए कोई बात नहीं, मगर फ्रांस के गुस्ताख सदर से बदला लो, तो हुकूमत और हुकूमत के आलाकार गूंगे उलमा व मशायख उन्होंने लोगों के जज्बात को ठंडा किया। नहीं नहीं, हम खुद कर लेंगे, तुम जुलूस ना निकालो। जुलूस निकालने वालों पर तशद्दुद किया कि हम खुद जो मसला हल कर रहे हैं, तो क्या मसला हल किया, मसला दफन करने की कोशिश की। लेकिन ये फरीजा तो दफन होता नहीं, ये फरीजा आज भी बाकी है। आज की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से मैं वजीर आजम इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि तुमने वादा किया था कि मैं इस तहरीक की क्यादत करके खुद गुस्ताखों से निपटूंगा, तो क्या तुमने किया? तुम तो उसके बाद बयान भी नहीं दे सके, करना क्या था? धोखा किया तुमने कौम से, और इतने मुकद्दस मिशन से धोखा किया। हमारी जबानें बंद करते हो, हमें जेलों में डालते हो, तो ये दुनिया की जेलें, ये कैदे तन्हाई, ये आखिरत जहन्नम के अजाब के एक मिनट का करोड़वा हिस्सा भी नहीं। हम ये तो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हम जहन्नम जाने के लिए कोई ऐसी खामोशी नहीं करेंगे। आज हम मुतालबा कर रहे हैं अपनी हुकूमत से कि वो हमें बताएं कि क्या पेशरफ्त हुई इस मसले में, जबकि हमें पता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अपनी आखिरत को याद करो, नाम लेते हो रियासत मदीना का और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के वादे करके भूल जाते हो। हमारी ड्यूटी, अगर पार्लियामेंट में होते तो वहां बोलते, अगर मिंबर पे हैं तो यहां बोल रहे हैं, जेल में थे तो वहां बोले, और कलम से जब मिला तो लिख के फतवा भेजा अखबारात में, जिस जिसकी हिम्मत थी उन्होंने छापा। आज फिर हम वही मुतालबा हुकूमत से इस मौका पर कर रहे हैं, और ये जान तो अदना सी चीज है सरकार के दर पे नजराना पेश करने के लिए, और उससे पहले गिरफ्तारियां और ये जेलें और ये तशद्दुद, ये तो मामूली सी बात है। इस वास्ते मैं कह रहा हूं ये बाजी इश्क की बाजी है, तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? उस रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा, फिरौन बने हो कुर्सी पे, तुम रब को कैसे अकड़ोगे? मैंने आर्टिकल लिखा था जेल में होते हुए कि ये जब कह रहा था कि मैं खुद क्यादत करूंगा इस मसले की, मैं तौहीन का बदला लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मैंने कहा ये आजमाया हुआ है, ये वही तकरीर कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में करके इसने कश्मीर के बारे में सारा मामला सर्द खाने में डाला था, और अब उसी तरह करेगा। तो क्या क्यादत की इस वजीर आजम ने, किससे बतला लिया? और उसके पालतू उलमा व मशायख कह रहे थे कि हम ये करेंगे कि खादिमुल हरमैन मस्जिद हराम का जो इमाम है उससे फतवा लेंगे, हम जामियतुल अजहर के शेख से फतवा लेंगे। तो आज तक इनको जामियतुल अजहर के शेख से राबता नहीं हो सका, वो मस्जिद हराम का इमाम क्या फतवा देगा? खुद पता नहीं कि जिनके नाम से काबा आबाद हुआ, ये किस चीज का खुतबा वहां देता है कि इसको खुद पता ही नहीं कि हालात क्या हैं? तो ये सारा टालने का, ठंडा करने का एक मंसूबा था, और तुमने अपनी आंखों से देख लिया।